पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बी ऑप्शन राइट होगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की, तो दिसंबर में भी जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस, दो इम्पोर्टेंट डे 1 दिसंबर को मनाए गए हैं। 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 इम्पोर्टेंट डे 2 दिसंबर को मनाए गए हैं। 3 दिसंबर को मनाया गया है विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 2 इम्पोर्टेंट डे 5 दिसंबर को मनाए गए हैं। 6 दिसंबर को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया है सशक्त सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 2 इम्पोर्टेंट डे 7 दिसंबर को मनाए गए हैं। 8 दिसंबर को मनाया गया है बोधि दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मनाया गया है मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस। 2 इम्पोर्टेंट डे 11 दिसंबर को मनाए गए हैं। 12 दिसंबर को मनाया गया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 2 इम्पोर्टेंट डे 18 दिसंबर को मनाए गए हैं। 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को मनाया गया है विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, चंडीगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शुक्रवार को चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके साथ उन्होंने 32 करोड़ की 3 अतिरिक्त परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। इस दौरान समारोह में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित व केंद्रीय गृह सचिव सहित अन्य गणमान्यों की उपस्थिति भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UCC प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है ना, CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, जो कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने गर्व से 23 दिसंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात में तीसरे दीक्षांत समारोह की मेजबानी की है। समारोह में भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा है? 8% बढ़ा है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला की आधारित बिजली उत्पादन 8% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार
है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। अब बात है हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है हरियाणा की कैपिटल। सीएम की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, और गवर्नर कौन है? बंदा रेव दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री बाइप्रेट सीमेंट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो सी ऑप्शन राइट होगा भारूच में, ठीक है ना, भारूच में, गुजरात के भारूच में बाइप्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के पहले आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 67,000 रुपये के निवेश की संभावना वाले 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? 117, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। रेलवे ए सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने कहा है कि 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा कि मध्य रेलवे अपने नेटवर्क के 117 स्टेशनों पर ये पैनिक स्विच स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली ने। हरी सिंह क्लब दिल्ली में बना 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का चैंपियन फाजिल नगर यानी कुशीनगर। हरी सिंह क्लब दिल्ली में 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को 6 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो बी ऑप्शन राइट होगा 13, ठीक है ना। डीजी यात्रा ऐप को अब तक ने 35 लाख से ज़्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। अगस्त 2023 के दौरान 6 हवाई अड्डों अर्थात अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? तो सी ऑप्शन राइट होगा नवीन पटनायक को। ये है नवीन पटनायक, ठीक है ना, जो है नवीन पटनायक जो कि भारतीय राज्य उड़ीसा के 14वें और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। वे बीजु जनता दल के संस्थापक मुखिया भी हैं। इनका जन्म 1946 में हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो बोध गया में, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। दलाई लामा हमने बोध गया की अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है। 20 दिसंबर तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने बुधवार को बिहार के गया जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश के पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका, भी ऑप्शन राइट होगा, श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है संतोष झा ने नए भारतीय उच्चायुक्त के रूप में, ठीक है ना। तो बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो दो कैपिटल है श्रीलंका की। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीस यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रम सिंह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुरुवर्धने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस लिए भाला फेंक खिलाड़ी के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता है? तो सुमित एंटिल ने, बी ऑप्शन राइट होगा, ये है सुमित एंटिल, ठीक है ना, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल को प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पंद्रहवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIM काशीपुर, सी ऑप्शन राइट होगा, IIM काशीपुर जेनिथ रेलवे अकादमी के सहयोग से रेलवे पेशेवरों के लिए प्रबंधक में कार्यकारी स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। 11 महीने का यह कार्यक्रम गतिशील विशेषता और प्रबंधनीय कौशल से लैस होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।